रैंकर परीक्षा 2014-15 में हुई भारी अनियमितता की उच्च स्तरीय जांच कराए जाने को लेकर जनसंघर्ष मोर्चा कार्यकर्ताओं ने मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएम के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी के नेतृत्व में तहसील का घेराव किया, प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि उक्त रैंकर परीक्षा में लगभग 300 परीक्षार्थियों का परिणाम वर्ष 2016 में चयन समिति की सिफारिश पर घोषित किया गया, जिसमें लिखित परीक्षा ओएमआर शीट के माध्यम से कराई गई। उक्त रैंकर परीक्षा उसी जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा संपन्न कराई गई, जिसने उपनिरीक्षक सीधी भर्ती परीक्षा संपन्न कराई थी, जिसका काला सच जनता के सामने आ चुका है। दरअसल मामला जो वर्ष 2014-15 की रैंकर पुलिस की जो भर्ती है, उसमें बहुत व्यापक पैमाने पे सांठगांठ हुई थी और जो सेटिंग गेटिंग करने वाले थे वो आज थानेदार दरोगा बने बैठे हैं। वर्ष 2014-15 में जिसको चयन समिति की सिफारिश के आधार पर जिसका रिजल्ट 2016 में घोषित किया गया, लगभग 300 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको उस समय नौकरी मिल गई, आज अपनी जिम्मेदारियां संभाल लें। इसमें हमारा कहना है कि जो ओएमआर सीट है उसमें बहुत बड़ी छेड़छानी की गई है। हमें सूत्र बता रहे हैं जो जीबी पंत विश्वविद्यालय है उन्होंने ही पहले पुलिस दरोगा का भर्ती कराई थी, उन्होंने ही इसको कंडक्ट किया था। और इसमें अगर ओएमआर सीट की फॉरेंसिक जांच हो जाती है और सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराती है तो निश्चित तौर पे कई जो आज दरोगा बने बैठे हैं, थानेदार बने बैठे हैं, वो सब सलाखों के पीछे होंगे और जो हमारे काबिल युवा हैं उनको न्याय मिलेगा। इस तरह तो कोई पढ़ के फायदे नहीं है। जब काबिल आदमी अगर वो बिल्कुल हाशिए में डाला जाएगा, सांठगांठ करने वाले पैसे दे करके अगर ऊंची पोस्ट हत्या लेंगे तो बताइए इन परीक्षाओं का क्या औचित्य है। तो जनसंघर्ष मोर्चा का माननीय मुख्यमंत्री से यही आग्रह है कि इसकी फॉरेंसिक जाँच हो और उच्च स्तरीय जाँच इसमें जरूर हो, जिससे जनता के सामने सच आए।